हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं नीतीश विश्वकर्मा आप लोग के लिए लेके आया हूँ मशीन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे रेटेड सप्लाई दिया गया है V1। ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न हो रहा है प्राइमरी बाइंडिंग में जो EMF उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है E1। ठीक है, और प्राइमरी बाइंडिंग के जो नंबर्स ऑफ टर्न को N1 मान लिया है, और सेकेंडरी बाइंडिंग का बात करें तो सेकेंडरी बाइंडिंग के नंबर्स ऑफ टर्न N2 है, और सेकेंडरी बाइंडिंग में जो EMF उत्पन्न हो रहा है वो है E2। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों एक बार ध्यान दीजिए, ये ट्रांसफार्मर अभी नो लोड कंडीशन में है, यानी सेकेंडरी बाइंडिंग में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों देखिए, यदि मैं कहूँ इस बाइंडिंग में ऐसे कुछ बाइंडिंग है, ठीक है, इस बाइंडिंग में अगर I करंट फ्लो हो रही है दोस्तों, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रा होता है। चलिए दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूँ, मैं एक हम आम ले लें, आम में देखिए दोस्तों छिलका होता है, आम में रस होता है। ठीक है दोस्तों, आम का आपका जो, यदि मैं क्या करूं, इन सबको मैं अलग अलग कर दूं दोस्तों, आम के जूस को मैं अलग कर लूं, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से छिलके को काट के अलग कर लूं। ठीक है, तो दोस्तों सब चीज़ें मैं अगर अलग अलग कर लूं तो दोस्तों देखिए यही कहलाता है इक्विवेलेंट, मतलब कि हर भाग को दोस्तों अलग अलग करके दिखाना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग जो N1 है, ठीक है, तो इस बाइंडिंग में कुछ रजिस्टेंस का भी मान होगा, कुछ इंडक्टेंस का भी मान होगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे इस बाइंडिंग के रजिस्टेंस को मान लीजिए हम अलग दिखा दे रहे हैं यहाँ पे R1। ठीक है दोस्तों, चूंकि प्राइमरी बाइंडिंग की एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्राइमरी बाइंडिंग में हर जो कि जो भी चीज़ मौजूद है उसको हम 1 लिख के दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम R1 दर्शा दिए हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राइमरी बाइंडिंग में जो इंडक्टेंस का मान होगा उसको हम X1 लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ टर्न N दिखा दिया गया है, और इसमें जो दोस्तों देखिए उत्पन्न EMF है उसको E1 दिखा दिया गया है। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे कि ये RC क्या है, ये XM क्या है, तो दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो RC है वो है दोस्तों आपका कोर लॉस। ठीक है दोस्तों, तो कोर लॉस देखिए होता है वो एक प्रकार का कोर लॉस एक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि कोर लॉस का जो मेजर करते हैं वो वाट या किलो वाट में करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि एक्टिव कंपोनेंट की हम बात करें, या कोर लॉस यानी कि कह रहा हूँ एक्टिव पावर लेगा, जैसे कि इसका फार्मूला होता है P=VI। ठीक है, और इसका जो मेजर करते हैं एक्टिव पावर का वो होता है किलो वाट, ठीक है, या वाट में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए यहाँ पे RC बस इतना दिखा रहा है कोर लॉस जो है कि RC के द्वारा खर्च हो रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों XM क्या बता रहा है यहाँ पे आपको, देखिए दोस्तों XM बता रहा है कि इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट भी, जो कि इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट आएगी, और ये क्या करवाएगी दोस्तों, फ्लक्स को उत्पन्न करवाएगी। पहले इसमें MMF उत्पन्न होगा और फिर फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि XM है वो यूजफुल फ्लक्स बनवाता है। यूजफुल फ्लक्स मतलब दोस्तों जो फ्लक्स जाकर सेकेंडरी बाइंडिंग को लिंक करती है, और हमारे सेकेंडरी बाइंडिंग पर EMF उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वही फ्लक्स को बनवाने के लिए ये XM जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम सेकेंडरी बाइंडिंग के भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न N2 दिखा दिया, इसमें जो प्रोड्यूस जो EMF होगा वो उसको हम E2 दिखा दिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने इस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 और इसका जो है कि इंडक्टेंस X2 इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं प्राइमरी बाइंडिंग के। ठीक है, अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं प्राइमरी बाइंडिंग की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो एक्टिव पावर लॉस होता है वो कोर लॉस में होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो एक्टिव पावर लॉस होगा वो कोर लॉस में होगा। और देखिए दोस्तों, कोर लॉस के दो टाइप होते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, एक होता है ED करंट लॉस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, यदि कोर लॉस होता है तो कौन सी करंट जिम्मेदार होती है, एक्टिव करंट जिम्मेदार होती है। ठीक है, यानी एक्टिव पावर खर्च करवा रही है तो वो एक्टिव करंट होगी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें जो लॉस होता है वो होता है एक्टिव पावर लॉस होता है, या इसी को ट्रू पावर लॉस भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, एक्टिव पावर लॉस जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वहां पे जो हमने ये कंपोनेंट बनाया था यहां पे लिखा था RC। ठीक है, यानी कि कोर में जो लॉस हो रहा है, और दोस्तों देखिए एक्टिव पावर लॉस होता है तो सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है, ठीक है, इंडक्टेंस में नहीं होता। इंडक्टेंस में रिएक्टिव पावर लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम नीचे देखते हैं, यहां पर मान लीजिए कि यहां पे
हमने एक जो है कि रेजिस्टेंस लिया हुआ है और इसको जोड़ दिया है किसी वोल्टेज सप्लाई से, करंट फ्लो हो रहा है आई, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसमें लॉस होगा वो होगा आई स्क्वायर आर, ठीक है, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये देखिए आई स्क्वायर आर। तो दोस्तों देखिए चूंकि ये लॉस जो हो रहा है, ये जो पावर लॉस हो रहा है वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, ठीक है, इसीलिए इसको हम ओमिक लॉस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम ओमिक लॉस भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यदि पावर लॉस हो रहा है रेजिस्टेंस में तो उसको एक्टिव पावर लॉस बोलेंगे, और इस पावर का जो मेजर करते हैं वो होता है वाट में, किलोवाट में या मेगावाट में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यदि हम आरसी को बात करें कि आरसी क्या है, तो कोर लॉस वाला कंपोनेंट है, आरसी में क्या हो रहा था, कोर लॉस जो है कि उसमें हो रहा था, इसीलिए इसको कहेंगे कोर लॉस वाला कंपोनेंट, ठीक है। देखिए दोस्तों यदि आर में जो भी लॉस होगा उसको हम कहेंगे किलोवाट में, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों यदि एल एंड सी यानी कि इंडक्टेंस और या कैपेसिटेंस, यानी इंडक्टर या कैपेसिटर में जो भी पावर वो ऑब्जर्व करता है, संचित करता है, ठीक है, तो ये होता है के वी ए आर में या वी ए आर में या एम वी ए आर में। दोस्तों के वी ए आर का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और यहाँ पे वी ए आर का मतलब है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एम वी ए आर का मतलब है मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। तो दोस्तों इसका मात्रक होता है के वी ए आर या वी ए आर या एम वी ए आर, ठीक है। देखिए दोस्तों इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में कोई भी पावर लॉस नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ पावर क्या कर लेता है, पावर को स्टोर कर लेता है और अगले ही क्षण रिलीज भी कर देता है, ठीक है। चलिए तो हम दोस्तों थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका जो कि दिखाया जा रहा है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए हम प्राइमरी साइडिंग में रेटेड वोल्टेज V1 देते हैं, तो दोस्तों चूंकि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो नो लोड कंडीशन में है, तो इसमें जो करंट जो फ्लो होगा वो I0 होगा। यदि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे वीडियो को लेक्चर 1 से देखिए, ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हम फिर से बताते रहे हैं आपको कि प्राइमरी साइड का एनालिसिस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि प्राइमरी बाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होगा उसका मान R1 है, प्राइमरी बाइंडिंग में जो इंडक्टेंस का मान होगा उसका मान X1 है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यदि आपका जो कोर लॉस हो रहा है और जो आपका मैग्नेट बनाने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट जा रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसमें जो करंट जा रहा है वो आई नॉट जा रहा है, ठीक है, नो लोड में है तो करंट आई नॉट। देखिए दोस्तों मैं पहले ही बताया था कि ये आपका जो कोर लॉस होता है और जो आपका जो यूजफुल फ्लक्स बनवाने के लिए जो बाइंडिंग होती है उसमें, उसके लिए कौन सा करंट जिम्मेदार होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है आई नॉट, ठीक है दोस्तों, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है आई नॉट। चलिए तो अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसका। दोस्तों आपके मन में एक सवाल और होगा कि हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे सीरीज में दिखाया, इंडक्टेंस को भी सीरीज में दिखाया, तो हमने आरसी और एक्सएम को क्यों पैरेलल लिया, आपके अंदर ये सवाल होगा, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ कि जो आरसी और एक्सएम जो आपका जो कंपोनेंट है वो डिपेंड करता है रेटेड वोल्टेज पर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, रेटेड वोल्टेज पर। जब तक इसको पूरा रेटेड वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होगा लॉस कराने के लिए, ठीक है, और ये लॉस जरूरी भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये आपका डिपेंड करता है रेटेड वोल्टेज पर, इसलिए हम इसको पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। जैसे आपने घर की वायरिंग देख लीजिए, आप कहीं भी बल्ब चलाइए, फ्रिज चलाइए, कुछ भी टीवी चलाइए, कुछ भी चलाइए, आपके घर में जो 230 वोल्ट सप्लाई आई है तो सब इंस्ट्रूमेंट को या सब उपकरण जितने भी लगे हैं उन सबको 230 वोल्ट सप्लाई ही चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसीलिए आप अपने घर की वायरिंग पैरेलल में करते हैं, इसलिए दोस्तों ये जो लॉस होता है इसको पूरा रेटेड वोल्टेज चाहिए, इसलिए जो है कि इसको हम पैरेलल में लगाए हैं। दोस्तों मैं आगे अभी कुछ ही क्षण बाद मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे रेटेड वोल्टेज V1 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए तो दोस्तों देखिए हम आगे चलते हैं। तो यदि मैं कहूं, देखिए दोस्तों यदि मैं कहूं कि इसमें करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस का मान आर वन है, इंडक्टेंस का मान एक्स वन है, तो दोस्तों इसमें देखिए आपका ड्रॉप कितना होगा, तो ड्रॉप होता है आई आर, तो देखिए दोस्तों इसमें ड्रॉप होगा आपका आई नॉट आर वन, ठीक है, यदि मैं ऐसे केवीएल लगाऊं तो आई नॉट आर वन और प्लस जे आई नॉट एक्स वन, ठीक है दोस्तों, जे आई नॉट एक्स वन। अब देखिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि बाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस का मान होता है, ठीक है, देखिए दोस्तों बाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस का मान
तथा इंडक्टेंस का मान जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं जब इनका मान बहुत ही कम है तो इनके द्वारा जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम निगलेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, नगण्य के बराबर मान लेते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, यदि इसमें कोई भी वोल्टेज अगर ड्रॉप मान लीजिए कुछ भी बहुत थोड़ा मोड़ा हो रहा है, तो यदि इसके इसको मैं क्या कर दूँ, इग्नोर कर दूँ कि इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो V1 वोल्टेज जो हम रेटेड वोल्टेज दिए हुए हैं, तो दोस्तों ये वोल्टेज जो है आपका इसके एक्रॉस आ जाएगा या नहीं? तो दोस्तों जवाब होगा बिल्कुल आ जाएगा। यदि इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है तो यही वोल्टेज उठ के यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, इनके एक्रॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसको हम क्या कर दिए हैं, नेगलेक्ट कर दिए हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, यदि मैं जो कि R1 X1 कंपोनेंट था, यदि वहाँ पर मैं जो है कि उसमें होने वाले ड्रॉप को नेगलेक्ट कर दूं, तो ये सीधे रेटेड वोल्टेज उठ के यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों रेटेड वोल्टेज मतलब जो सप्लाई वोल्टेज, जो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही कंपोनेंट आपका था RC कंपोनेंट और XM कंपोनेंट, ठीक है, और इसमें जो करंट आ रहा है वो आ रहा था I0, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप मुझसे बोल रहे होंगे कि यहाँ पे जो I0 करंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे IW या IM कैसे हो गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, करंट को आने के लिए दो मार्ग मिल गए हैं। तो IW करंट जो जा रहा है वो RC में जा रहा है, यानी कि जो कि आपका एक्टिव पावर लॉस कराएगा रजिस्टेंस के थ्रू, जो कि उसको कोर लॉस भी कह सकते हैं। तो IW इसलिए लिखे हैं कि इसमें जो पावर लॉस होगा वो वाट में होगा या किलो वाट में होगा, इसलिए यहाँ पर हम IW शो कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे IM इसलिए शो कर रहे हैं कि इसमें जो करंट जाएगा वो मैग्नेटाइजिंग करंट जाएगा, यानी कि मैग्नेट बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं MMF बन के फ्लक्स को यूजफुल फ्लक्स बनाने के लिए जो भी करंट इसमें जाएगा उसको हम IM या IMU कह लीजिए। तो दोस्तों मैं IMU ही कह रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। चलिए तो आपको समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि I0 के जो दो कंपोनेंट है, यानी दो हिस्सों में जो बटा है, वो बटा है एक IW में और एक IMU में, ठीक है। चलिए तो मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि IW जो है वो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, वो क्या है, वो एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। और IMU क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट है, यानी कि वो इंडक्टेंस में जा रहा था करंट, उसको कहेंगे रिएक्टिव कंपोनेंट। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही डायग्राम मैं फिर से रिपीट किया हूँ, और यहाँ पे देखिए अब हम निकालते हैं कि कोर लॉस जो है कि वो कितना होगा। दोस्तों कोर लॉस देखिए कराने के लिए RC जिम्मेदार है, ठीक है, यानी जिसमें एक्टिव पावर खर्च हो रहा है, ठीक है, RC जिम्मेदार है। और दोस्तों देखिए, यदि इन दोनों के पैरेलल में अगर वोल्टेज V1 है, तो देखिए दोस्तों V1 वोल्टेज इसमें भी अप्लाई होगा और V1 वोल्टेज इसमें भी अप्लाई होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं कोर लॉस निकालूँ, यानी PI का मान यदि मैं निकालूँ, तो दोस्तों ये बताइए मुझे आप कि यदि इसमें जो है कि वोल्टेज एक्रॉस है कितना, V1 है, तो हो जाएगा V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसमें रेजिस्टेंस का मान कितना है, तो रेजिस्टेंस का मान है दोस्तों RC, ठीक है। तो हम कह सकते हैं V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई RC वाट, क्योंकि दोस्तों ये एक्टिव पावर है, तो इसको हम मेजर करेंगे वाट में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आया कैसे। तो देखिए, कुछ नहीं है इसमें, आपका जो पावर होता है वो फार्मूला होता है V2/R, ठीक है दोस्तों। तो जब V2/R फार्मूला होता है, तो यहाँ वोल्टेज का मान V1 है तो V1² ले लिया, और रेजिस्टेंस का मान RC है तो RC ले लिया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नीचे देखते हैं अब हम थोड़ा सा। यहाँ पे हैं, ये जो कोर लॉस है ये दो प्रकार का होता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एक ED करंट लॉस होता है, ठीक है। तो कोर लॉस में दोनों पाया जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस और ED करंट लॉस। तो पहले हम हिस्टेरेसिस लॉस का फार्मूला लिखते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल टू होता है Nm(V·max)^1.6 × φ·V। जो जहाँ देखिए दोस्तों, नीटा क्या होता है, इस्टीमेट कोफिशियंट होता है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है फिलहाल देखिए दोस्तों, जो नीटा है वो कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम एक बार हमने जो डिज़ाइन कर दी कोर को, तो वो उसका मान फिक्स हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डिपेंड कर रहा है हिस्टेरेसिस लॉस, वो डिपेंड कर रहा है Bmax पे और फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि सप्लाई फ्रिक्वेंसी हम जैसा देंगे वैसा व्यवहार होगा, तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और Bmax पे, ठीक है, यानी फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ये बात, आप इसको याद रखिएगा अभी फिलहाल के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि Bmax बराबर होता है φ·max/A, ठीक है, यानी फ्लक्स बटे एरिया होता है आपका, क्या फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AI लिखने का मतलब ये है कि जो आयरन या जो आयरन लॉस या जो आपका कोर लॉस हो रहा है, उसी के लिए हम लिखा हूँ AI, ठीक है, मैं लिखा हूँ AI।
चलिए दोस्तों, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है दोस्तों, जो मैक्सिमम फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो एरिया है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या इसी को टेस्ला भी कहते हैं। चलिए अब हम नीचे देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कहूँ हिस्टेरिसिस लॉस जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा था बी मैक्स, ठीक है दोस्तों, बी मैक्स यहाँ पे देखिए, ठीक है दोस्तों, देखिए जो मैं कह रहा था कि हिस्टेरिसिस लॉस जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, तो बी मैक्स के पावर 1.6 था और इंटू एफ था, ठीक है। तो दोस्तों बी मैक्स की जगह पे मैं फाई मैक्सिमम अपान ए लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और जैसे उसके पावर 1.6 था तो मैंने 1.6 भी लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई के रूप में फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बार कोर का जो एरिया हो जाएगा तो क्या वह एरिया चेंज होगा, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, एक बार जो कोर डिजाइन हो गया वो डिजाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए आई को भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो दोस्तों देखिए जो हिस्टेरेसिस लॉस आपका डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है फाई मैक्सिमम पे और फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम दोस्तों नीचे चलते हैं, अब हम यहाँ पर देखिए दोस्तों इंड्यूस ईएमएफ की हम बात करें, यहाँ पे हम किसका बात करें, इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला हमारा यही था ना, ई इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम इंटू एन, ठीक है दोस्तों। यदि मैं प्राइमरी बाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ की बात करूँ, क्योंकि हम प्राइमरी बाइंडिंग की एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 4.44, ठीक है, और हो जाएगा आपका एफ फाई एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी बाइंडिंग में जो जो नंबर ऑफ टर्न है वो क्या है N1 है। दोस्तों यदि मैं आपको मैं बताया था कि यदि जो है कि जो आपका रेजिस्टेंस में और इंडक्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा था यदि उसको हम नगण्य कर दें तो जो E1 जो मतलब ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में जो वोल्टेज जो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा E1 किसके बराबर हो जाएगा V के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए जो E1 हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों V1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ नीचे हम देख लेते हैं, वहाँ पे देखिए दोस्तों जब हम वहाँ पे रेजिस्टेंस में और इंडक्टेंस में जब वोल्टेज ड्रॉप को हमने नेगलेक्ट कर दिया था, नगण्य कर दिया था, तो वहाँ पे जो V1 रेटेड वोल्टेज था वो जा रहा था सीधे प्राइमरी बाइंडिंग पे, तो प्राइमरी बाइंडिंग में यदि प्रोड्यूस वोल्टेज अगर E1 था, ठीक है, अब यदि ड्रॉप जो है कि नगण्य हो गया है तो वही किसके बराबर हो जाएगा वोल्टेज V1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए तो यहाँ पे हम चलिए मान लेते हैं कि मेरा जो है वो E1 बराबर V1 है, प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज है, तो दोस्तों E1 यहाँ पे जो E1 है E1 नर लिख के मैं यहाँ V1 लिख रहा हूँ, और V1 बराबर हो जाएगा 4.44 एफ फाई एम N1, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलिए देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका जो 4.44 है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और आपका जो नंबर्स ऑफ टर्न है वो भी कांस्टेंट है, एक बार बाइंडिंग का टर्न हमने जो भी लगा के डिज़ाइन कर दिया तो वो टर्न्स भी नहीं घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, वो ऐसा ही रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो V1 डिपेंड कर रहा है वो F इंटू फाई एम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यदि मैं यहाँ से फाई एम जो है कि निकालूँ तो फाई एम ये F मल्टीप्लाई के रूप में है तो वो इधर आके डिवाइड के रूप में हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं V1 अपान एफ प्रोपोर्शनल टू फाई एम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाई एम का मान रख दूंगा। तो देखिए दोस्तों पिछली पेज पर हम ये निकाल चुके थे, यहाँ पे अगर हम फाई मैक्स में फाई एम का मान रख दें तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा WHN हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल टू V1 अपान एफ को यहाँ रख देंगे, तो V1 अपान एफ के पावर 1.6 है तो 1.6 ही रहेगा और इंटू एफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप क्या करिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए कि ये जो आपका जो V1 अपान एफ के पावर 1.6 है, अब इनको आप लिख दीजिए अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 के पावर 1.6 हो जाएगा, और यदि एफ के पावर 1.6 बटे के रूप में है, और यदि इस पद को मैं ऊपर ले जाऊँ तो घात माइनस हो जाएगा, तो एफ के पावर 1-1.6 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों इनटू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को हम रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 के पावर 1.6
और एफ के पावर -0.6। दोस्तों यदि इसके पावर 1 छिपा है तो एक में से अगर 1.6 घटा देंगे तो बचेगा -0.6। तो देखिए दोस्तों, हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है आपका रेटेड वोल्टेज, यानी V1 देखिए यहाँ पे मौजूद है तो रेटेड वोल्टेज पर डिपेंड करता है और साथ ही फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्टेरेसिस लॉस है वो रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि वहाँ पे जब मैंने जो है कि RC वाले कंपोनेंट को पैरेलल में लगाया था तो क्यों लगाया था, क्योंकि उसे फुल रेटेड वोल्टेज चाहिए, क्योंकि वो रेटेड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका फार्मूला के थ्रू प्रूफ भी हो गया। तो चलिए दोस्तों हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट हिस्टेरेसिस लॉस विल डिपेंड्स ऑन द रेटेड सप्लाई वोल्टेज एंड रेटेड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है रेटेड वोल्टेज पर और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, रेटेड फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फार ईडी करंट लास्ट में अब हम गणना करेंगे, तो चलिए दोस्तों वो हम गणना करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिए, और जो भी आपको डाउट रह गया वो कमेंट में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका हल बता दूंगा।